तो माय डियर स्टूडेंट, ये है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल यानी राजनीति शास्त्र का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। तो जो भी हमारे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जिनको इस बार आने वाले दिनों में पेपर देना है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर किस प्रकार का आएगा, उसमें क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो इन सब की जानकारी मिलेगी आपको। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। और आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू है, ठीक है। और जब भी आप पेपर देने जाएंगे ना पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का, तो आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा और ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे पास PDF भी तैयार है उत्तर की, वो भी आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपका जो सेमेस्टर है वो बीए फर्स्ट ईयर है, ठीक, मतलब कि आपका वर्ष जो है वो है प्रथम वर्ष और जो सेमेस्टर है वो फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर है और पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र सब्जेक्ट है। क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र का नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2 घंटे का समय मिलता है, 75 का पूर्णांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश भी दी जाती हैं, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में उसका आंसर लिखना है, ये आपको ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है। पढ़ने के बाद ही, ठीक है, आपको प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा, आप पढ़ लीजिएगा। तो ध्यान से सुनेंगे आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन के 2 प्रमुख कारण बताइए, ठीक है। खिलाफत आंदोलन जो हुए हैं इसके क्या क्या कमियां रहेगी उनके बारे में लिखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, हमेशा तो नहीं आता लेकिन कुछ परीक्षाओं में देखने को मिला है और काफ़ी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, नोट कर लीजिए इसको तुरंत। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन ये भी है, कई बार रिपीटेड एग्जाम में, तो नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, हालांकि क्वेश्चन आने को उम्मीद कम है लेकिन जान लीजिए उत्तर, इसका लोक हितकारी राज्य का क्या अर्थ है, ठीक है, ये आपको लिखना है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटियाँ होनी चाहिए, कितनी पढ़ाई होनी चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये, ठीक है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि भारतीय राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या आपके पास क्वालिटी, क्या क्या योग्यताएँ होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉमन प्रश्न है, आप सभी जभी जानते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप अच्छे से तैयार करेंगे ना तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है, इसमें, क्योंकि एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों का उत्तर छिपा होता है। अगला कि मत्स्य न्याय से आप क्या समझते हैं, ये भी कोई कम उम्मीद है कि आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न प्रस्तुत है, देखिए अगला प्रश्न है लघुत्तरे में है। लघुत्तरे का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। अति लघुत्तरे के बाद लघुत्तरी आता है, लघुत्तरे के बाद दीर्घोत्तरी यानी कि विस्तृत उत्तरी आता है, ठीक है। जो दिशा निर्देश इसमें होती है इनको आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ना होता है, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, आपको पता चलेगा कि भैया कितने क्वेश्चन करना है, उसका उत्तर कितने शब्दों में लिखना है, तो उतने शब्दों में उसका उत्तर लिखेंगे तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन बोलता है भैया 200 शब्दों में लिखिए, वो पता चलता है कि 100 शब्दों में लिख दिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 200 शब्द बोल रहा तो 500-400 शब्दों में लिख देने, तो ये गलतियाँ मत करिए आप लोग, वरना आपका टाइम भी लॉस जाएगा, आपको नंबर भी कम मिलेंगे, ठीक है। तो लघुत्तर में देख लेते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर अच्छे से लिखी गई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न है लघुत्तरे का कि भारत छोड़ो आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए, फिर निबंध लिखिए, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक बहुत बड़ा आंदोलन रहा है जिसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है, और गारंटी है कि प्रश्न फंसेगा मेरी जानकारी के अनुसार, ऐसी कोई परीक्षा तक छूटी नहीं जिसमें क्वेश्चन ना आया हो, सभी परीक्षाओं में पूछा गया, तो इसको तुरंत नोट करिए। इन सब देखिए क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 100-200 क्वेश्चन हैं, आप 100-200 क्वेश्चन का उत्तर तैयार कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम आपको जो बता दे रहे हैं वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पिछले 6-7 वर्षों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं, कौन से आने के चांस है, ठीक है। आपको कम से कम अगर पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आने की उम्मीद है तो आप उनको तैयार कर लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। ये मैं कार्य कर रहा हूँ, बाकी उत्तर भी आपको आने वाले दिनों में मिल जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, मैसेज भी करेंगे, तब भी आपको हम कोशिश करेंगे कि इन सभी का उत्तर आपको प्रस्तुत करा दें, ठीक है। बाकी वेबसाइट हमारी रेडी है, जल्दी उस पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी आपको मिलने वाला है जल्दी, ठीक है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषताएं लिखिए।
तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है और उसकी विशेषताएं है। हेल्पफुल क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आए या ना आए उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी जा चुका है, और ये आपके एमए करेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम की तरह तैयारी करेंगे, फ्यूचर में कुछ भी करेंगे आप लोग एजुकेशन के क्षेत्र में, तो ये काम का क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में हेल्पफुल साबित होगा जब भी आपकी परीक्षाएँ होंगी। अगला क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है कि समानता के मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए, नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा ही आएगा। अगला प्रश्न है भैया आप लोगों के समक्ष कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, मतलब कि प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है, ठीक है, होने के बाद कैसे सिलेक्ट किया जाता है प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ठीक है, और प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है, कार्य कौन कौन से कार्य करते हैं, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है, जनरल प्रश्न है, आपको वैसे भी जानना भी चाहिए, आपका हक भी है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही टॉप लेवल क्वेश्चन है। आज तक ऐसी कोई परीक्षा टूटी नहीं जिसमें ना आया क्वेश्चन प्रधानमंत्री के नियुक्त बताइए, इसके कार्य बताइए, ठीक है, और इसी तरह राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है उसके कार्य बताइए, ठीक है, इसी तरह जितने भी अन्य हाई पोस्ट के जितने भी राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, ठीक है, उनके नियुक्त फीडा क्वेश्चन या फिर उनके कार्यों के बारे में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कभी भी, ठीक है, तो ज़रूर ध्यान रखेंगे, अलर्ट रहिए, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियाँ और स्थिति का परीक्षण कीजिए, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के पास जो पावर होती हैं और किस स्थित कैसी होती, किस स्थित में उनका यूज किया जाता है, साथ साथ में परीक्षण, इन सभी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% तो नहीं लेकिन कुछ उम्मीदें फंस सकता है क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राज्यपाल की शक्तियों और उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए, तो ये 100% इम्पॉर्टेंट है कि राज्यपाल जो उसकी शक्तियाँ होती है उसके बारे में आपको लिखना है, उसके पास पावर क्या क्या हैं, ठीक है, और समस्याएं जो हैं उसके बारे में आप लोग निवारण के लिए अप्लीकेशन या फिर आप लोग मतलब कि किसी भी लेटर के माध्यम से उन तक अपनी जानकारी भेज सकते हैं, ठीक है, तो राज्यपाल की शक्तियाँ क्या क्या हैं, पावर के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे, फिर आ जाएंगे हम अगले प्रश्न की ओर, राज्यपाल वाला हो गया ना। अगला कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों का परीक्षण कीजिए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उसके अधिकार के बारे में लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है, ठीक है, उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय इन दोनों में से तो दोनों प्रश्न फंसेंगे, और मान लीजिए किसी कारणवश एक नहीं आया तो एक तो पक्का ही पक्का आएगा, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल, हम आपको वीडियो बना के मतलब कि वीडियो के जरिए क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आपको ध्यान से सुनना भी चाहिए, ठीक है, अभी तैयारी में जुटेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जिनको आप लोग बोलते हैं सेशन सी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें पूरी दिशा निर्देश दी गई है, आपको पढ़ लेना है, फिर उसके बाद उसका उत्तर लिखना है, तो उत्तर देने से पहले यहाँ पर दिशा निर्देश दी गई है, कितने क्वेश्चन करना है, कितने शब्दों में आंसर करना है, ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए और मौलिक अधिकारों में किस प्रकार भिन्न है, ये आपको लिखना होगा, ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, और सिर्फ मैं नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ उम्मीद एक प्रश्न फंस सकता है, ठीक है, और आपको एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर पूरा का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर समाप्त हो रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का, ओके, ध्यान से सुन लीजिएगा, और ये वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी, अगर आप इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन दिए गए इनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं इनका उत्तर ना, तो आपको परीक्षा में कोई फेल नहीं कर सकता, इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको ये मॉडल पेपर चाहिए तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, उस पर जाने के बाद आप मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज करने के बाद, ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा, जैसे आप मैसेज करेंगे तो हम आपको PDF सेंड कर देंगे, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका अपना ही चैनल है सक्सेस टू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय रहते सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले, ठीक है। और एक बात और ध्यान दे रहा हूँ, मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूँ कि जब भी आपको पेपर मिलेगा ना, तो ज़्यादा टाइम पढ़ने में वेस्ट मत करिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा, उसके बाद जो प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है, जिसका अच्छे से मालूम है, उसके बारे में आपको लिखना शुरू कर देना, ठीक है, एप्लीकेशन, ओके, ठीक है, ओके, तो ध्यान रखना है,
और इन सभी का उत्तर आपको अगर चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम से ज्वाइन होने के बाद आप हमें मैसेज कर देंगे कि सर हमें भी फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की PDF चाहिए आंसर वाली, तो हम आपको सेंड कर देंगे। बाकी इन सभी का उत्तर आपको इंटरनेट सर्च करेंगे, मतलब इंटरनेट पर सर्च करेंगे ना तो आपको तुरंत के तुरंत मिल जाएगा पूरी पूरी PDF, और उसमें देंगे क्वेश्चन और उत्तर, ठीक है। बाकी आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम प्रयास यही करेंगे कि आपको सबसे पहले मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर दिखाएं किस प्रकार के आ रहे हैं, उसमें किस प्रकार के, ठीक है, मतलब कि किस प्रकार के उम्मीद है क्वेश्चन आने की, और मैं आपको आने वाले दिनों में, ठीक है, आप सभी प्रश्नों को उत्तर देकर आना, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। जय हिंद।